राजस्थान सरकार को 2500 करोड़ और देना है, उसका पहले मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा जवाब मिलेगा। इधर वे देंगे तो मोस्ट वेलकम, पर प्रोजेक्ट को हम डिले नहीं करेंगे। राजस्थान की सरकार उनका जो एडिशनल 2500 करोड़ देना वो दे देगी, नहीं देगी तो हम अपनी वो इंक्रीज कर देंगे उनकी 26% से 16% आ रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं ना, तब वो बोलने की लिए आगे आए होंगे। इनको पूछो आपने 5 साल डिले क्यों किया, 5 साल डिले किया तो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो 70,000 करोड़ का हो गया है। उनमें अगर साहस है तो पहले तो वो डिक्लेयर खुद करे ऑफिशियली। अब ये प्रोजेक्ट जो है पहले 40,000 क्या उससे 39,000 था मेरे ख्याल से, वो प्रोजेक्ट अब हमारी गलतियों से जो बीजेपी ने डिले किया इसको, उसके कारण से अभी 70,000 करोड़ खर्च होंगे और वो ऐसा ही मांग रहे होंगे। इतनी बात कर, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे रिफाइन पॉलिटिक्स, यानी कि राजस्थान में रिफाइनरी एक बड़ा प्रोजेक्ट, और जब से लगा तब से ही कुछ ना कुछ में सियासी पारा चढ़ता रहा है। जब इसका शिलान्यास किया गया तो उसके बाद में बीजेपी ने कहा कि पानी हमारा, तेल हमारा, जमीन हमारी, और हमने पैसे भी दे दिए, कितने हजार करोड़ का राजस्थान को चूना लगा दिया। उसके बाद ये 4-5 साल तक कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा राजे जी ने फिर इसका एमओयू करवाया, फिर उसके बाद में एमओयू के बाद में सरकार बदली, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस सत्ता में आए, फिर वापस से इसे सिरे चढ़ाया गया। तो ऐसे करके ये मामला चलता गया। 42 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट आकी गई, जो 72 करोड़ पहुंच गई। अब इसमें नया पेच ही आया है, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एक दिन पहले ही जब बाड़मेर रिफाइनरी विजिट करने आए तो उन्होंने कहा कि 2500 करोड़ रुपए की देनदारी हमने राज्य सरकार की निकाली है कोस्ट बढ़ने के लिए, अगर वो हिस्सेदारी नहीं देंगे तो 26 से उनका जो पार्टनरशिप रेशो है वो 16% हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें जवाब दिया है कि सबसे पहले केंद्र को ये बताना चाहिए कि 5 साल डिले होने का कारण क्या रहा, क्यों डिले हुआ, जब डिले हुआ तो कोस्ट बढ़नी लाजमी थी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और कोविड के दरमियान सारी चीजें रही हैं, तो किस बिहा पे तो 2500 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और क्यों 16% करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आने वाले दिनों में और भी इसका पारा चढ़ सकता है, क्योंकि ERCP ऑलरेडी एक बीजेपी और कांग्रेस के बीच फंसी हुई है। इसके बाद में यानी कि ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न कैनाल भी कह सकते हैं उसको, हमारे पश्चिमी राजस्थान जिसको लेकर के कहा जाता था कि धोरे हैं वहां कुछ नहीं हो सकता, अब वहां सोना उगल रहा है। केंद्र राज्य सरकार को वेट वहां से मिल रहा है, अच्छा खासा वेट मिल रहा है, आपकी हिस्सेदारी है, रेवेन्यू वहां से मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, और एक जब यूनिट लगती है तो उसके सब कंपोनेंट्स में और भी जिसे कहते हैं कि सिस्टर यूनिट्स लगती हैं, बहुत बड़ा एक रोजगार लोगों को मिलता है, कायापलट हो सकती है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ प्रतीक सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, भाजपा से मदन राठौर साहब जुड़ रहे हैं, और यश गोयल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा प्रतीक जी, रिफाइनरी को लेकर के सियासत नई बात नहीं है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया आता है इसमें। पुरी साहब ने कहा है कि 2500 करोड़ रुपए राजस्थान दे, नहीं तो हिस्सेदारी घटा दी जाएगी। देखिए, जो रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट था, ये इसका सपना देखा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने, आप देखिए कि 22 सितंबर 2013 को तत्कालीन UPA जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। शिलान्यास होने के बाद में उस पर काम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद में सरकार चली गई और फिर केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार चली गई। तो उसके बाद में आप देखिए कि उसको 4-5 साल पहले तो लटका के रखा कि उसका काम नहीं होगा, और वहां से जो तेल निकल रहा था वो वहां रिफाइन होने की जगह वो जा रहा था जामनगर रिफाइनरी। फिर 16 जनवरी 2018 को फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। तो आप देखिए, एक ही प्रोजेक्ट का 2 बार तो शिलान्यास हो गया, और उसके बाद में जो कॉस्ट उसकी आप जो बता रहे हैं 42,000 करोड़ थी, 42,000 करोड़ से बढ़ गया 72,000 करोड़ हो गई। तो बिल्कुल वो सही बात है। पहले तो आप ये बताइए कि कॉस्ट बढ़ी क्यों है, वो कॉस्ट बढ़ने का कारण क्या रहा है, उसके बाद ही तो आप पैसे मांगेंगे, और वो भी 2500 करोड़ रुपए राज्य सरकार मना नहीं करती, पैसे देंगे अगर हमारी देनदारी निकलती होगी तो। और तीसरी बात यह है कि जब हमारा जो 40,000 करोड़ रुपए GST का जो बनता है राज्य का,
वो फिर पूरी साहब कब दिलवा रहे, केंद्र सरकार से, जब वो ये 2500 करोड़ रुपए के लिए ये बोल रहे हैं कि हम आपका शेयर कम कर देंगे, तो 40,000 करोड़ रुपए के लिए भी तो पैरवी कीजिए, वो तो कर नहीं रहे। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरी साहब को ना तो केंद्र सरकार, ना तो अधिकारी और ना प्रधानमंत्री जी कोई सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था उन्होंने तेल कंपनियों को बोला कि दाम कम हो गए हैं क्रूड ऑयल के, तो आप अपने दाम कम कीजिए, तो उस पर कोई एक्शन तो हुआ नहीं है, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। वो सिर्फ आए थे और काफी दिनों से उनकी चर्चाएं खत्म हो चुकी थी, तो चर्चाएं चालू करवाने के लिए उनको अपनी कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देना था जो उन्होंने दिया है। जी चलिए, तो यही एक बड़ी बात है कि एक स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट आएगा। एक व्यक्ति अगर कोई भी अपनी बात कहेगा तो उसका एक्शन का रिएक्शन आना लाजमी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ये बात कह चुके हैं कि ये मेरा नहीं राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पश्चिमी राजस्थान को हम चाहते हैं कि रिफाइंड के लिए, जब हमारे यहाँ से ऑयल क्रूड ऑयल निकल रहा है तो रिफाइंड क्यों नहीं होनी चाहिए यहाँ का, अगर ऑयल जामनगर जा रहा है, क्योंकि हमें अभी जो हमारा पैसा जो जा रहा है वो जामनगर में जा रहा है, अगर वो जब चालू होगी तो पैसा राजस्थान में होगा और एक इसीलिए अच्छा तो खासा। इसीलिए ही योगेंद्र जी इसको डिले किया गया कि गुजरात को उसका उसका जो रेवेन्यू है वो गुजरात को मिले, और इनके जो मित्र मंडली है उनके पास में जामनगर की रिफाइनरी में वो तेल रिफाइन हो, और सारा का सारा जो राजस्थान का रेवेन्यू है जो राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए था पिछले 5-7 सालों में, वो सारा शिफ्ट होकर के गुजरात चला गया। जी बिल्कुल, देखिए अब यही एक बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में केवल बात यही नहीं थमेगी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान के लिए, राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान जिसके दोहरे जाने जाते हैं, उसकी कायापलट हो सकती है। एक जैसलमेर को अगर हम छोड़ देते हैं जो टूरिज्म के लिए काफी फेमस है, और जगह के डेवलपमेंट को लेकर के सरकार को बड़ी परेशानी आती है। तो चलिए, मदन राठौड़ साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मदन जी, रिफाइनरी डिले होना और डिले के बाद में सियासत होना, राजस्थान को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो बयानबाजी चल रही है, कोई नहीं चाहेगा कि बयानबाजी का एक दौर इस तरह से चले कि जब तक काम हुआ नहीं और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दो दो बार उसका एग्रीमेंट हो चुका, लेकिन फिर भी आज भी देखें तो जो मिलना चाहिए राजस्थान को अभी तक वो मिल नहीं पा रहा, जिस मकसद से रिफाइनरी का शिलान्यास किया, एक सोच लेकर के रिफाइनरी को आया गया। पूरी साहब ने कहा कि 2500 करोड़ रुपए, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए इसकी लागत बढ़ गई है, तो राजस्थान सरकार को अपना शेयर देना चाहिए। सरकार का कहना है कि पहले ये बताया जाना चाहिए कि 5 साल डिले क्यों हुई है, महंगाई की जो बात की जा रही है कि 42,000 करोड़ से 72,000 करोड़ पहुंच गई, ये हुई क्यों? देखिए, राजस्थान सरकार ने काम डिले किया, पहले ये बताए हैं। देखिए, एक बात आपको पता होगा कि पहले इन्होंने जो एमओयू किया था 2013 सितंबर में, उसमें इन्होंने किया था कि 3,637 करोड़ रुपया पर ईयर ये उसको देंगे एचपीसीएल को बिना ब्याज के, और 15 वर्ष तक देते रहेंगे। अरे कमाल हो गया, जमीन हमारी, तेल हमारा, और फिर हम तो 3637 करोड़ रुपया पर प्रतिवर्ष देते जाएंगे 15 वर्ष तक बिना ब्याज के, और फिर शेयर हमारा 13% रहेगा। उसमें चेंज किया वसुंधरा राजे सिंधिया ने, उन्होंने चेंज करके और अमाउंट 1100 करोड़ रुपया पर एनम देने का तय किया, और हमारा शेयर 26% हुआ। अब आप देखिए, अभी अब इन्होंने पैसा जमा नहीं कराया, कीमतें बढ़ती गई, 42,000 से 72,000 हो गया, 72,000 करोड़ रुपया की उसमें लागत आ गई, तो इनको 2500 करोड़ रुपया देने में कहाँ दिक्कत है? 2500 करोड़ रुपया दे, नहीं तो ये नहीं देंगे, तो हम शेयर कम करना नहीं चाहते, राजस्थान का नुकसान हम करना नहीं चाहते। राजस्थान के अंदर यदि सरकार इस साल बदल जाएगी तो हम 2500 करोड़ रुपया जमा करा देंगे, राजस्थान की जो बीजेपी सरकार आएगी वो 2500 करोड़ जमा करा भी देगी, और हम अपना शेयर पूरा रखेंगे 26%। ऐसा नहीं संभव है कि अभी जैसे 74% एचपीसीएल का और 26% राजस्थान सरकार का, उसको हम यदि 16% कर देंगे तो और नुकसान हो जाएगा, राजस्थान का रेवेन्यू लॉसेज हो जाएगा, ये हम करने नहीं देना चाहते। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हिंदुस्तान चौथे नंबर पर है, पहला यूएस है, दूसरा रशिया है, तीसरा चाइना है, और चौथे नंबर पर हिंदुस्तान है जो 2.4 MMTPA पर एनम डेवलप कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम 4.5 MMTPA पर एनम हम कर लें, तो निश्चित रूप से चाइना को हम पछाड़ देंगे।
इसलिए राजस्थान इसमें 9 MM PA पर NM देने की क्षमता रखता है, इसलिए हम राजस्थान का अपना शेयर कम नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि राजस्थान में, और यदि पैसा ये केंद्र राजस्थान सरकार को 2500 करोड़ जमा करा देना चाहिए। सर चाइना को, चाइना को पछाड़े, अमेरिका को पछाड़े, किसी को भी पछाड़े, लेकिन अभी तो सवाल ये है कि एक बार हम रिफाइनरी तो चालू करें, हमें ताकत तो हो हमारे पास में पछाड़ने से पहले। और दूसरी बात, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, प्रतीक सिंह जी बैठे, आप भी बैठे, ये मुद्दा मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये राजस्थान के एक बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ा मामला है। 70,000 करोड़ की अगर एक बड़ी एक यूनिट लग रही है, हमें अंदाजा लगाना चाहिए, और जिसके फेल होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि भविष्य की जरूरत आपका फ्यूल है। जब तक वो धरती काला तेल यानी कि सोना उगलती रहेगी, तब तक आपके खजाने में पैसा आता रहेगा। आप ये देखिए कि कई देश ऐसे हैं कि तेल के कारण, तेल की वजह से ही, पानी उनके यहाँ पे नहीं है, दुनिया के दूसरे मुल्कों से पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसके बावजूद भी उनकी इकोनॉमी देखिए, उनकी GDP देखिए, हम सोच नहीं सकते। उनके पास में डेवलपमेंट के लिए पैसा कितना है वो हमें देखना चाहिए, और हमारे पास जो है हम अभी तक उसी के अंदर तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी ये देनदारी बनती है, उसकी ये देनदारी बनती है, और रिफाइनरी चालू कब होगी। पुरी साहब ये भी कह गए कि शेयर दे नहीं रहे हैं और उद्घाटन करने को चल रहे हैं। प्रतीक सिंह आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि एक तंज कसा है उन्होंने, क्या आप उद्घाटन करने की सोच रहे हो और शेयर दे ही नहीं रहे हो? देखिए मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि पुरी साहब को ना तो इन उनकी मंत्रालय और ना प्रधानमंत्री उनको सीरियसली लेते नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि 25 सांसद 2014 में भी राजस्थान से चुनके गए और 25 सांसद 2019 में जो चुनाव हुए उसमें भी चुनके गए, तो वो संसद में मुद्दा उठाते हैं हमारा 40,000 करोड़ रुपया जो बकाया है GST का, 2500 करोड़ रुपया उसमें से दे देंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का एक लिमिटेड रेवेन्यू होता है, हमारे पास पैसा, हमारा पैसा है ना, वो जैसे राठौर साहब बोल रहे हैं हमारी जमीन हमारा तेल, तो वो पैसा भी हमारा ही है जो केंद्र सरकार के पास रखा हुआ है, जो 40,000 करोड़ रुपए वो दे नहीं रहे हैं, वो पैसा भी इस राजस्थान के लोगों का ही है, इस 8 करोड़ जनता का ही है, तो वो पैसा दे दें, क्यों नहीं दे रहे? हम कोई उधार थोड़ी मांग रहे हैं, हम आपसे लोन भी नहीं मांग रहे, 40,000 करोड़ रुपए हमारा है, दे दीजिए और बता दीजिए कहाँ पे 2500 करोड़ क्या 3,000 करोड़ देंगे आप बताइए तो सही कि उसकी उसकी कॉस्टिंग 42,000 से 72,000 करोड़ रुपए कैसे आ गई। हरदीप पुरी जी तो कल उठ करके बोल देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए हो गई, 2,00,000 करोड़ रुपए हो गई, तो बताइए तो सही, बताइए और पैसा लीजिए और हमारा पैसा दीजिए, हम आपको पैसा देने को तैयार है, चाहे 2500 करोड़ हो चाहे 3,000 करोड़ हो। मैं एक बात बताऊं जी राठौर साहब, भाई साहब प्रदीप जी, शर्तें मत करो, 2500 करोड़ कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, ये राजस्थान का अपना हिस्सा दे देना चाहिए, वो रुपया जो GST का देंगे ना राठौर साहब, बिल्कुल देंगे, मना ना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप हमारी आवाज बनिए, और वो 40,000 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता का ही तो पैसा है, वो लाने में हमारी मदद कीजिए, आप हमारे साथ आगे खड़े होइए, और वो 40,000 करोड़ राजस्थान में आएगा तो ERCP में भी काम आएगा, रिफाइनरी में भी काम आएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसमें भी काम आएगा, तो कहाँ गलती है, आप आ जाइए हमारे साथ खड़े होइए आकर के। आप इस बात को जानते हैं कि ट्रांसपेरेंटी ऐसे नहीं होती है, GST का पैसा आप लीजिए, आपका हक का पैसा है, बाकी स्टेट को तो मिल रहा है ना, राजस्थान को तो मिल रहा है, बाकी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, गुजरात को पकड़ा है, मध्य प्रदेश को। प्रतीक जी आ रहा हूँ, प्रतीक जी आ रहा हूँ आपके पास जी। राठौर साहब कंटिन्यू करिए अपनी बात। मैं ये बताना चाहता था कि ये ट्रांसफर एंट्रियां होती नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें से 2500 करोड़ रुपए काट दे, आप अपने हक का पैसा आप मांगिए, राजस्थान के हक का पैसा है तो जीएसटी का आपका शेयर मिलेगा ना आप, लेकिन 2500 करोड़ जमा कराने में दिक्कत कहां है, क्यों इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजस्थान का नुकसान करने पे क्यों तुले हुए हैं? यदि केंद्र सरकार ने शेयर घटा दिया तो हमारा पर आजीवन नुकसान हो जाएगा, ये ठीक बात नहीं है, ये रेवेन्यू लॉसेज राजस्थान को हो जाएगा, आज कहां 26% और कहां 16% की बात पे आ जाएंगे, ये तो ठीक बात नहीं है, इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अपना हिस्सा जमा कराइए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको हमारे 9 MMTPA राजस्थान की रिफाइनरी पैदा कर सकती है, करती है, कितनी बड़ी और एक हैसियत बनेगी राजस्थान की हिंदुस्तान के अंदर, इसको समझने की जरूरत है, इसमें राजनीति नहीं करने की जरूरत है, राजनीति मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा राजस्थान की जनता। सर मैं ये दोनों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को इसमें राजनीति हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि 2500 करोड़ की बहुत बड़ी बात नहीं है, क्यों इंतजार क्यों? आप देखिए कहां तो आप 3637 करोड़ रुपया पर ईयर देने वाले थे 15 वर्ष तक बिना ब्याज के, ये आपके सोनिया जी ने जो किया था ना वो तय कर दिया था उन्होंने,
और 15 वर्ष तक बिना ब्याज के, ये तो ठीक बात नहीं थी। तो वसुंधरा जी ने कम किया ना, 1100 करोड़ पे ले आई और शेयर हमारा 13-26% पे लेके आई, तो ये तो राजस्थान का फायदा ही हुआ ना। इसमें मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। पहले 5000, मैं एक बात जानना चाहूंगा, देखिए मेरा उस समय भी सवाल था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मैं एक बात ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। ये उस समय भी काफी एक सियासी मुद्दा बनाया गया था कि राजस्थान को गिरवी रख दिया गया, एक केंद्र सरकार की गवर्नमेंट की एक यूनिट है, तो कोई प्रदेश को कैसे गिरवी रख देगा उसके। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि 2500 करोड़ देने में कहाँ दिक्कत की बात है। चलिए आप प्रतीक सिंह जी जवाब दे रहे हैं आपको जी, मतलब जैसे लॉलीपॉप सर जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब दिलवा रहा हूँ जी। प्रतीक जी देखिए, राठौड़ साहब ने सारी बातें कर दी है। एक तो पहले जनता को ये बताना चाहिए कि जो 5 साल डिले हुआ है, उस 5 साल में कितना तेल का दोहन हुआ है जो जामनगर रिफाइनरी में गया है, और उसका कैलकुलेशन करके ये बताएं कि राजस्थान को कितना रेवेन्यू लॉस हुआ है उससे। पहले तो 60 महीने जो लेट है उसका रेवेन्यू लॉस बताएं पहले तो जनता को। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, जब जो पैसा हमारा जीएसटी का है वो उत्तर प्रदेश को समय पे मिल रहा है, मध्य प्रदेश को समय पे मिल रहा है, गुजरात को समय पे मिल रहा है, उत्तराखंड को समय पे मिल रहा है, ये राजस्थान को ही क्यों नहीं दिया जा रहा समय पे पैसा? और वो पैसा इस राजस्थान की जनता का है ना, हम देने के लिए 2500 करोड़ का मना कर रहे हैं। और रही बात दूसरी शेयर, तो शेयर ऐसे कैसे घटा देंगे शेयर, जब तेल हमारा, धरती हमारी, जमीन हमारी, तो कैसे केंद्र सरकार हटा देगी? ऐसे ऐसे अपनी मनमानी नहीं कर सकती है केंद्र सरकार। पैसा देंगे जो बनता है, आप बताइए, बयानबाजी मत कीजिए, आप नोटिस भेजिए, नोटिस में बताइए कि क्यों पैसा देना पड़ रहा है। प्रतीक जी ये कहा जा रहा है कि 45 दिन का टाइम देते हैं, नोटिस सर्व हो चुका है हरदीप सिंह पुरी के अनुसार। देखिए नोटिस सर्व हो चुका है, अगर नोटिस सर्व हो गया है तो जो समय सीमा है उस समय सीमा पे हम जवाब देंगे। नोटिस के अंदर ये कहा गया है कि 2500 करोड़ रुपए आपको देना है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो वो ये बताएं कि 2500 करोड़ रुपए हमें, अगर कोई, अगर आपकी कोई लेन देन है तो अगर बैंक आपको नोटिस भेजेगा कि आप इतना पैसा जमा करा दीजिए, तो आप बैंक से पूछेंगे कि भाई ये पैसा आप किस बात में मांग रहे हैं हमसे, तो हम उनसे यही पूछ रहे हैं ना, बताइए ना पहले तो पैसा किस बात के लिए मांग रहे हैं आप। गहलोत साहब ने स्वतंत्र सर्वे करवाने की मांग की थी और स्वतंत्र सर्वे हो चुकी है जॉइंट वेंचर में। राठौड़ साहब आप सर्वे के आधार पर बहुत आवाज बुलंद कीजिए, ये कि जो 40,000 करोड़ रुपए हमारे जीएसटी का बकाया है वो राजस्थान को पहले तो दिया जाए, पहली मांग तो ये है। सबसे पहली चीज तो जो राजस्थान की जनता की है, जब उत्तर प्रदेश को समय पे पैसे मिल रहा है, जब मध्य प्रदेश को समय पे पैसे मिल रहा है, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? राजस्थान को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा। इसलिए ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा रहा, इसलिए रिफाइनरी को डिले किया जा रहा है, इसलिए जीएसटी का पैसा नहीं दिया जा रहा, इसलिए पैसा नहीं दिया जा रहा, और राजस्थान करके राजस्थान के विकास को रोक रहे हैं। लेकिन आप राठौड़ सर समझ लीजिए, कितना ही कोशिश कर लीजिए राजस्थान का विकास रुकेगा नहीं। आप राजस्थान के विकास में कितना ही रोड़ा अटका लीजिए, ये राजस्थान का विकास हो करके रहेगा। हम तो सहयोग करेंगे, आप एनपीएस की बात तो पलट जाते हैं, आप मना कर देते हैं कि एनपीएस का पैसा नहीं देंगे, ईआरसीपी की बात पे पलट जाते हैं, आप जीएसटी की बात पे पलट जाते हैं, तो फिर कैसे सहयोग करेंगे आप बताइए, कैसे सहयोग करेंगे? और आप बताइए जो 60 महीने के अंदर जो रेवेन्यू लॉस हुआ है राजस्थान को, जो तेल निकल करके वो जामनगर गया है रिफाइन होने के लिए, वो कितना रुपया है आप बताइए जनता को। मैं उसका कारण बताता हूँ, इसलिए जा रहा है कि राजस्थान का 1.4 एमएमटीपी है और उसमें आयात करना पड़ता है, वो मिक्स करना पड़ता है, ये मिक्सिंग का प्लांट वहाँ जामनगर में, इसलिए वहाँ जामनगर भेजना पड़ रहा है। कोई गुजरात को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा है, वहाँ पर फायदा और अपने मित्र मंडली को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, तो इंपोर्टेड क्रूड उसमें मिक्स करना पड़ता है तब जाकर के काम होता है। 3.6 इंपोर्टेड क्रूड मिक्स करना पड़ता है, 1.4 एमएमटीपी है, ये हमारा राजस्थान का जो है। राठौड़ साहब यही तो कह रहा हूँ, आप जामनगर में रिफाइनरी अगर चालू हो जाती तो सारा रिफाइंड यही होता ना, तो रेवेन्यू लॉस हुआ ना राजस्थान को, तो वो कितना हुआ पैसा बताए ना, हमारे आयात करेंगे ना, बोल बातें घुमारे जनता को बता नहीं रहे, लेकिन जनता समझता है जिस तरीके से पिछली बार आप चुनाव हारे थे दोबारा चुनाव हारेंगे। डेडलाइन दे दी है 1 जनवरी 2024 को नरेंद्र भाई मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, मैं डेडलाइन आपको दे दी गई है और
पुरी ने अभी राजस्थान में आकर के अभी ये तारीख बता दी थी कि 1 जनवरी को उसका उद्घाटन हो जाएगा, तो राजस्थान में होना शुरू हो जाएगा, हमको जामनगर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राठौड़ साहब 5 साल दिले क्यों किया है, जो रेवेन्यू लॉस राजस्थान का हुआ वो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार ही तो है, उसकी जिम्मेदार। आपको अपना हिस्सा, अपने को हर कोई को अपना हिस्सा। गोल गोल बातें कर रहे हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय समय कम है सर, समय कम है। प्रतीक सिंह जी, राठौड़ साहब, मैं रोकना चाहूंगा। और ये सीमेंट के और लोहे के कीमतें बढ़ी इस कारण से, और चलिए मैं रोकना चाहूंगा सर, सारी बातें हमने स्क्रीन पे भी दिखाई और आप लोगों के माध्यम से भी हमने जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, दर्शकों ने सारी बातें सुनी है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में पता नहीं अब रिफाइनरी तो कब होगा, उद्घाटन कौन करेगा ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ईस्टर्न राजस्थान से लेकर के वेस्टर्न राजस्थान एक बड़ा एक मुद्दा बनेगा। इधर ईआरसीपी जो 40,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, इधर वेस्टर्न जो राजस्थान है उसके अंदर रिफाइनरी, दोनों ही मुद्दों को लेकर के राज्य और केंद्र के बीच एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जो हम वाक युद्ध के रूप में कह सकते हैं। अभी जो चर्चाएं चलती हैं आपस में, क्यों एक आदमी कुछ कहेगा तो दूसरा उसका रिएक्ट करेगा, और वही सब चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब इससे मुझे लगता है कि जब तक धरातल पे चीजें नहीं हो, इन बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल बोल सकते हैं, जनता के बीच चर्चा चली है, लेकिन जनता बहुत स्मार्ट है और वो इन सब तमाम चीजों को देखती भी है कि हाँ वास्तव में हो क्या रहा है, कौन किस चीज को अटका रहा है, क्यों हमारी जरूरत है, उस पर कौन कुंडली मार करके बैठ रहा है, वो अपने हिसाब से देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।